हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस स्वीट मैंगो चोको डिलाइट। अभी समर है और मीठे आम सभी जगह अवेलेबल है, तो इसके लिए हम एक चम्मच घी एक कढ़ाई में लेके इसमें हम एक कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। थोड़ा मिक्स करके घी के साथ इसमें हम आधा कप जितना मिल्कमेड डाल देंगे और 1/4 कप जितना कि ये डाइल्यूट हो जाए, थोड़ा मिक्स हो जाए, इतना मिल्क डाल देंगे। ये मिक्सचर को थोड़ा थिक करने के लिए मैं कोकोनट पाउडर ड्राई डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें सिर्फ मिल्क पाउडर भी डाल के ड्राई कर सकते हो। देखो इसकी कंसिस्टेंसी हाथ से हम शेप दे सके ऐसी करनी है। मैंने ये मिक्स कर लिया है और इसको आधा निकाल के एक बाउल में रख रही हूँ और जो बाकी का मिक्सचर हमारा बचा है उसमें वो मैंगो का जूस 1.5 कप बड़ा इसमें डाल रही हूँ। आम मेरा बहुत ही मीठा है, आप भी मीठा आम ही यूज़ करना। अगर आप नए हैं और मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो ये मिक्सचर हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा मिल्क पाउडर और थोड़ा ड्राई कोकोनट पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इसको मुझे जल्दी से जल्दी कंसिस्टेंसी उसकी ठीक करनी है। ये थोड़ा गर्म हो जाए और थोड़ा ठीक हो जाए इसके बाद हमें चेक करना है कि अगर हमारी मैंगो जूस थोड़ा पतला है तो हमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। अगर हमारा मैंगो जूस ठीक है, मैंगो की वैरायटी के ऊपर ये निर्भर करता है कि जूस पतला है या ठीक है, तो कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हम थोड़ा और ठीक जल्दी से बना सकते हैं। बिना कॉर्नफ्लोर के भी आप बना सकते हो, मिल्क पाउडर थोड़ा और ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये मिक्सचर को तब तक चलाना है जब तक ये अनस्टिकी मीन्स चिपकेगा नहीं। जब ये चिपकेगा नहीं तो इसके बाद थोड़ा और देर इसको चला के इसकी थिकनेस हमें हाथ से शेप दे सके इतनी हो सके इतना करना है। तो ये हो गया है मोस्टली, अब मैं इसको ठंडा करने छोड़ देती हूँ। अब हम हमारा दूसरा वाला वाइट मिक्सचर लेके उसमें 1.5 चम्मच में कोको पाउडर डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं हर्शीज़ का 100% कोको पाउडर है जो अनस्वीटेंड है वो मैं डाल रही हूँ। इसको देखना है कि अगर स्वीटनेस कम है तो थोड़ा शुगर पाउडर आप डाल के इसको मिक्स कर लीजिएगा। If it is dry, you can mix milk also. देखो हमारा ये पार्ट भी अभी रेडी है, इसको भी ठंडा करने छोड़ देते हैं। देखो हमारा मैंगो वाला जो पार्ट है वो भी ठंडा हो गया है और ये चॉकलेट वाला पार्ट भी हमारा ठंडा हो गया है। इसमें से हम सेम शेप के राउंड बॉल्स बनाएंगे जो हम हमारी स्वीट में बीच में चॉकलेट वाला पार्ट डाल देंगे। आप चाहो तो कोई भी शेप बना सकते हो, पर मुझे जो पसंद आया वो शेप मैं इसमें बना रही हूँ। ऐसे हाथ से इसको शेप बना के मैं इसमें 7 जॉइंट कर रही हूँ। अलग अलग शेप बना के हम सर्व कर सकते हो। ये इतनी टेस्टी मिठाई बनती है कि पूछो ही मत। मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए बनाया था थोड़ा पहले, फिर मैंने सोचा ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी है तो मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहा। आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में लिखिएगा आपको ये मिठाई कितनी पसंद आई। Thank you for watching.